हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको साटन के रिबन के फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। देखिए, मैंने रिबन को बराबर पीसेज में कट कर लिया है और एक रिबन की लेंथ जो ली है वो 7 इंच की ली है, ठीक है। और 7 इंच के मैंने 1 2 3 4 5 और 6 6 रिबन काट लिए हैं। अब इसका हम फ्लावर बनाएंगे। देखिए, फ्लावर बनाने के लिए और बिल्कुल नीचे से इस तरह से टाके लेंगे। ये देखिए, छह रिबन है, छह के छह को हमने एक धागे में कच्चे टाके की तरह पिरो लिया। अब इनको ऐसे दोनों तरफ से खींचते रहेंगे और इसे ऐसे कर। अच्छे से खींचने के बाद सबसे पहले से एक नोट लगा के सिक्योर कर देंगे, जिससे कि धागा हमारा इधर उधर ना जाए। देखिए, 2 से 3 गांठ लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे। अब धागे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और इस फ्लावर को शेप देंगे। ये देखिए, हमने जो फ्लावर को शेप देंगे उसके बाद रिबन को इस तरह से करेंगे, जिससे कि फ्लावर में फ्लफीनेस आ जाए। ये देखिए, ये हमारा फ्लावर बनकर तैयार है। इसमें हम किसी भी कलर का बटन लगा देंगे इसकी डेकोरेशन के लिए, और इसके थ्रू हम देखिए एक प्लेन हेयर बैंड को डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, अब इस फ्लावर पर हम एक बटन अटैच करेंगे ग्लू गन की हेल्प से। थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे इस पर। ये देखिए, हमारा फ्लावर बनके रेडी है। अब इस फ्लावर को हम किसी भी हेयर पिन पे लगाना चाहें, हेयर बैंड पे लगाना चाहें, अपने बच्चों की ड्रेस के मैचिंग एक सुंदर हेयर बैंड बना देंगे। हेयर बैंड पे ग्लू लगाई और इस फ्लावर को यहाँ पर चिपका देंगे। देखिए, आप हेयर बैंड चाहें हेयर बैंड बना सकते हैं। मैंने इसी तरह का फ्लावर बना के ये हेयर पिन पर भी लगाया हुआ है। अगर आपको ये क्राफ्ट की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।